अब सवाल ये है, बीजेपी का चाल चलित चेहरा, जोरू तोरू लड़ाओ घिराओ, इसी पर तो राजनीति उनकी है, उनके बारे में क्या कहना, कौवे को कहिएगा कि कोई कालिक लगा रहा है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ वसीर। मुकेश सहनी दिल्ली निकल गए हैं। बता दें कि लगातार कई दिनों से मुकेश सहनी चर्चा में थे, जब उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ काफ़ी जो है अपना गुस्सा दिखाया था और बिहार आकर के विधानसभा में जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुआ था और कहा था कि एनडीए में जो है सिर्फ बीजेपी और जेडीयू की चलती है, इसीलिए हम जो है शामिल उसमें नहीं होंगे। उसके बाद जो है उनके विधायकों ने उनके बातों से असहमति जताई थी और कहा था कि मुकेश सहनी जो है सिर्फ अपनी बात चलाते हैं पार्टी में कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी है। तो उसके बाद जो है अब मुकेश सहनी दिल्ली निकल गए हैं, तो उसके ऊपर जो है अब AIMIM ने भी कहा है कि मुकेश सहनी जो है दलित हैं, पिछड़े हैं, इसीलिए जो है बीजेपी उनको दबाना चाहती है। उत्तर प्रदेश वो गए थे तो उनको जो है डस्टबिन में फेंक दिया गया था। क्या कुछ कह रहे हैं AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान, पहले आप सुने। क्या लग रहा है मुकेश सहनी की मुलाकात किनसे होगी? बेचारे देखिए, वो दिल्ली क्या गए हैं, वो झेप मिटा रहे हैं, शर्म के मारे सदन में नहीं आ रहे हैं। ये आम बिहारी नहीं था, बिहार का कोई मजदूर नहीं था, बिहार का मान और सम्मान बिहार का मंत्री था, और बिहार के एक मंत्री को चूंकि वो पिछड़ी जाति से आता है, इसी वजह से उसको साथ आपने कबाड़ा और कचरे का काम किया। अरे अगर वहाँ सभा नहीं हो सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, तो आप सम्मानजनक पर गेस्ट हाउस में उनको रखते और प्रोटोकॉल के साथ बिहार की सरहद तक पहुँचा देते। आपने कचरा और कबाड़ा समझ करके उसको डस्टबिन में फेंकवा देने का काम किया। ये कहीं से भी बिहारियों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, बिहार के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसलिए मैं इस मामले को सदन में उठाया था, फिर सदन में उठाऊंगा, और मैं बिहार सरकार से साफ कहना चाहता हूं कि बिहारियों के मान सम्मान की बात करते हैं, जब बिहार के एक मंत्री का मान सम्मान नहीं होगा तो बिहार के आम आदमी का सम्मान क्या होगा? क्या लगता है कि उनके विधायकों को तोड़ने के काम कर रही है बीजेपी? अब सवाल ये है, बीजेपी का चाल चलित चेहरा, जोरू तोरू लड़ाओ घिराओ, इसी पर तो राजनीति उनकी है, उनके बारे में क्या कहना, कौवे को कहिएगा कि कोई कालिक लगा रहा है। पर्दे के पीछे से आरोप लगा रहे कि कुछ लोग रहकर उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, आखिर कौन है वो? भाई ये मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की सबसे घृणित वो है अमल है कि चुने हुए जनता के मैंडेट के साथ जो लोग चुनकर किसी पार्टी से आते हैं उसको तोड़ने का जो लोग काम करते हैं वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। तो सुना आपने AIMIM के विधायकों को, जिन्होंने मुकेश सहनी का साथ दिया है और कहा है कि बीजेपी जो है घृणा की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है। मुकेश सहनी के विधायकों को जो है लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जो ये कहीं से ठीक नहीं है। जनता के बीच चुन करके आने वाले विधायकों को बीजेपी जो है हर जगह ऐसे ही काम करती है, तोड़ने का काम करती है। तो AIMIM ने मुकेश सहनी का साथ दिया है। मुकेश सहनी ने कल मीडिया के सामने आकर के जवाब दिया था, कहीं ना कहीं इशारों में बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि जो लोग पर्दे के पीछे रह करके मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग मेरे सामने आकर के मेरा सामना करें, नहीं तो हम वो मान रहा है कि हम पर्दे में रह करके आग लगा देंगे। तो अब जो है बीजेपी और मुकेश सहनी में तकरार बढ़ती हुई दिख रही है। मुकेश सहनी दिल्ली चले गए हैं, विधानसभा का अभी 2 दिन बचा हुआ है, इसी बीच जो है मुकेश सहनी दिल्ली चले गए हैं और AIMIM ने भी मुकेश सहनी का साथ दे दिया है। तो देखना होगा कि मुकेश सहनी आने वाले दिनों में क्या कुछ कर पाते हैं, बीजेपी से उनकी रिश्ते जो है कैसे रह पाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। आपको हम तमाम ऐसी खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व DGP के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव YouTube चैनल पर।